आपने वो झूला देखा होगा, वो रजनी ने मेरे सूट का झूला बना दिया। एंड एज अ मैन यू नो आई कैन आई थिंक यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर आपके सूट का किसी ने झूला बना दिया तो क्या होगा हाल। तो भड़क गया हूँ मैं रजनी पे, बोल देता हूँ उसे कि चली जाओ यहाँ से एक दिन के लिए, तो एटलीस्ट मुझे अकेला छोड़ दो। तो आई थिंक एक दिन के लिए कहीं चली जाती है। सर तो आपको झूला झूलना पसंद है रियल लाइफ? हाँ सबको, या बचपन से सबको पसंद आता है वो तो। हाँ पर वो ऐसे झूले पे झूलना थोड़ा अजीब है जब आपका सूट वहाँ टंगा हुआ दिखता है आपको तो। पर हाँ झूला किसे नहीं पसंद है वो झूलना। तो किसने झूला बनाया है जो आपके सूट से? रजनी वर्ल्ड्स। तो कहाँ चली गई है वो अचानक से? अभी तो स्टोरी हमें भी नहीं पता आगे की। तो हम कल्मिनेशन पॉइंट पे है और ओपन एंडेड एक कल्मिनेशन रखना चाह रहे हैं बिकॉज देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सीजन टू ऑल्सो, सो हु नोज। सो वी आर वेटिंग फॉर द एंड पॉइंट व्हिच इज हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं अभी। तो देखते हैं कैसा। रिपब्लिक डे पहली बात तो गणतंत्र दिन जैसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा। और ये आई थिंक स्पेशली मैं कैसा इंसान हूँ जिसे डिवाइड होना पसंद नहीं है, बाउंड्रीज आई डोंट लाइक। पर जो भी है फॉर स्टेट फॉर द कंट्रीज कन्वीनियंस एंड फॉर यू नो कंट्री टू बी रूल्ड करेक्टली आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट। पर मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स बिटवीन द अस एज ह्यूमन बींग्स आई थिंक वी शुड किल आर ईगोज। एक बहुत सारा जो ईगो अंदर हमें भरा पड़ा है कि हम जीने नहीं देते लोगों को, खुद भी नहीं जीते, वो आई थिंक हमें सीख मैं तो सीख चुका हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। आई थिंक एवरीबडी शुड लिव अ लाइफ लाइक दैट वेयर यू लिव एंड लेट लिव। और जस्ट बी लिटिल करप्शन जो हमारे कंट्री में वो धीरे धीरे जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स हैपनिंग। और आई थिंक इट्स अ ग्लोरियस फ्यू इयर्स अहेड ऑफ अस। व्यूअर्स को थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच। तो हमारी रजनीकांत आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑल्सो द शो वॉज लाइक एंड अनफॉर्चुनेटली एक होता है कि एक शो का एक लिमिट होता है, और मुझे पता था कि एक साल का एक जॉनर एक टेन्योर होने वाला है इस शो का, एंड वही हुआ। और आई थिंक होपफुली अगर शो होगा तो सेकेंड सीजन होगा।